आवाज नहीं आई है। पंचायत चुनाव के बाद नितिन तू तो कैमरा चलाया। तमाम मुद्दे आर एल पी पार्टी संघर्ष करके मायरा फैशन स्वामी कॉम्प्लेक्स अनवेगा मॉल अजमेर नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री जी का हाथ मजबूत करेंगे और यहाँ इस भ्रष्टाचारी अखंड भ्रष्टाचार में डूबी सरकार को घेरेंगे झुकाएंगे और तमाम नीचे करना है भाई उनको पूरा कराने के लिए कर रहे हैं घोषणा आंदोलन बड़ा आंदोलन करेंगे पूरे स्टेट के अंदर। जिस तरह पहले हुंकार भरी थी अब हुंकार जोधपुर की धरती से भरेंगे सर कोई मीटिंग के इलाके के अंदर वहाँ करेंगे और उसके बाद राजस्थान के अंदर आगे अब चुनाव वाले निकल जाते हैं। उसके बाद पहली रैली जोधपुर और अजमेर और टोंक सचिन पायलट का इलाका है वो मुख्यमंत्री वाले में पहले करेंगे वो सेकंड उप मुख्यमंत्री राशि घोषित किया 10 लाख रुपए मैंने कॉलेज के अंदर क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 25 लाख रुपए सालाना दूसरी जगहों में शिक्षा के क्षेत्र में या दूसरी तो चूँकि गर्ल्स कॉलेज के अंदर जो मैंने समस्याएं सुनी बहुत बड़ी समस्या है बच्चों के 10 लाख रुपए मैं मेरे पोते से गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर को सचिन पायलट सीएम बनना चाहता है और अशोक गहलोत अपनी सीट बचाना चाहता है दोनों इसी में लगे हुए हैं। राजस्थान की जनता की इनको चिंता नहीं। कोटा में जिस तरह हमारे अबोध बच्चे मासूम बच्चों की मौत हुई उसके बाद जोधपुर क्षेत्र में बीकानेर के अंदर अजमेर के अंदर और जयपुर के अंदर बच्चे दम तोड़ रहे हैं। इसका मतलब सरकार पूरी तरीके से दलित महिला के वीडियो के बाद लगातार अपराध राजस्थान के अंदर बढ़ा। कभी हाईकोर्ट ने राजस्थान की सरकार को फटकार लगाई कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार संभाले। ये राजस्थान जो शांत राजस्थान हुआ करता था आज अपराध में राजस्थान 2-3 नंबर पर आ गया। हमें राजस्थान के अंदर संघर्ष करके इस राजस्थान को बचाना है। वसुंधरा गहलोत का जो मिला जुली का खेल था राजस्थान के अंदर इस कोकस को भी राज्य के जो हॉस्पिटल है हाल खराब है हॉस्पिटलों में बच्चों की मौत हो रही है सुबह वार्ड के अंदर बेडों पे उसका देखा हालात खराब है और मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी की चिंता है परिक्रमा दिल्ली करता है और पायलट को प्रदेश की चिंता किसी को नहीं। आरएलपी पार्टी हनुमान बेनीवाल राजस्थान के जवान किसानों के लिए उस प्रदेश को सम्मान दिलाने के लिए लोकसभा के अंदर और यहाँ सड़कों पर आंदोलन करेंगे और करीब 1.5 दर्जन से ज़्यादा रैलियाँ हम राजस्थान में बड़ी रैलियाँ करके और पूरे प्रदेश के नौजवानों को संकेत करके इस सरकार को झुकाएंगे और इन्हें इनका घोषणा पत्र याद दिलाएंगे।